हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मेरे हेलीकॉप्टर पर चढ़ता हुआ देखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हवाई दौरा हेलीकॉप्टर से नहीं करते थे, सड़क पर उतरना पसंद नहीं करते थे मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। चुनाव के दौरान कई तस्वीरें दिखती हैं और ऐसे में बिहार चुनाव है तो तस्वीरें तो दिखनी लाजमी है। चिराग पासवान मैदान में हैं तो जनता के बीच में अलग अलग रूपों में दिख रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान कुशेश्वर स्थान के बाद अब तारापुर पहुंचे हैं। चिराग को जब आप देखेंगे तो उनकी अलग अलग तस्वीरें आपको मोहित भी कर सकती हैं, क्योंकि बहुत लोगों के चहेता चिराग हैं। कभी चंदन टीका में चिराग दिख रहे हैं तो कभी अलग अंदाज में दिख रहे हैं, कभी बरसात के मौसम में भीगते हुए चिराग जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। और ऐसे में तारापुर पहुंचे चिराग ने एक और नया रूप अख्तियार किया है। चिराग पासवान सतुआ खाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बिहार में सतुआ लिट्टी चोखा तो काफ़ी फेमस हैं ही, लेकिन सियासी समीकरण के बाद भी कई बार ऐसी तस्वीरें दिखी है जब सतुआ ने समीकरण को बिगाड़ा है और चिराग उसी सतुआ के साथ एक बार फिर से दिख गए हैं। चिराग तारापुर में थे। दरअसल चिराग पासवान तारापुर में पहुंचे तो उन्होंने टेटिया बंबर प्रखंड के नोनाजी पंचायत अंतर्गत ठाड़ा कोलायस गांव में गंगा मुर्मू और उनकी पत्नी रूपो मुर्मू के घर पहुंच गए, जनसंपर्क कर रहे थे। समय था दोपहर का, चिराग को भूख भी लग गई थी, भोजन मिर्ग रूप में मिल गया चिराग को सतुआ। उन्होंने सिर्फ सतुआ ही नहीं बल्कि सतुआ के साथ प्याज हरी मिर्च और अचार भी खाया। काफ़ी खुश नजर आए चिराग। वहाँ जब सतुआ साना जा रहा था तब चिराग अंदर ही अंदर उत्साहित दिख रहे थे उस सतुआ को खाने के लिए। लेकिन सतुआ खाने के बाद क्या सच में समीकरण बदल जाएगा, क्या बिहार की सियासत सतुआ को बिगाड़ देगा, ये सब कुछ तो वक्त बताएगा। लेकिन तारापुर में पहुँचे चिराग पासवान कई दावे कर रहे हैं तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा है। वो इससे पहले भी जब आम चुनाव थे तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जो भी उनके कार्य रहे, या बार बार ये चिराग पासवान और उनकी पार्टी कहती आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके लिए आदरणीय हैं, आदरणीय थे और आदरणीय रहेंगे क्योंकि उम्र में बड़े हैं। सिर्फ उनकी नीतियाँ चिराग को पसंद नहीं है, चिराग की पार्टी को पसंद नहीं है, इसलिए वो उनका कटाक्ष करते हैं। लेकिन आज चिराग ने भरी सभा में एक मन की बात भी रख दी है। उन्होंने एक उम्मीद की है और उस उम्मीद पर वो चाहते हैं कि उनकी वो उम्मीद पूरी हो। दरअसल चिराग पासवान चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ में हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रचार के लिए भी वो उत्साहित हैं, ये शायद आपको अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन अब आपको वो बयान भी हम सुना देते हैं जिस सभा के दौरान, जिस नुक्कड़ सभा के दौरान चिराग पासवान सभा कर रहे थे। उसी बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर हमले बोले, उनके नल जल योजना पर भी सीधा प्रहार किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी एक दिल्ली इच्छा रख दी। चिराग ने कहा कि फिलहाल उनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर को भी अपना निजी वाहन बना चुके हैं क्योंकि वो यात्राएँ और खास करके एरियल सर्वे वो उसी हेलीकॉप्टर से करते हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार उनके साथ आएं, उनके हेलीकॉप्टर पर सवार हो जाएं और उसी हेलीकॉप्टर पर सवार होने के बाद चिराग पासवान के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहें और घर घर तक, गांव गांव तक चिराग पासवान उसी हेलीकॉप्टर को पहुँचाना चाहते हैं जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो। यानी कि ये इशारे आप समझ सकते हैं। खुशी मुझे इस बात की जरूर है कि जब मैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मेरे हेलीकॉप्टर पर चढ़ता हुआ देखूंगा। आज तक उन्होंने हेलीकॉप्टर को अपना पर्सनल व्हीकल बनाया हुआ था। आप लोग बता दीजिए कोई बार ऐसी थी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हवाई दौरा हेलीकॉप्टर से नहीं करते थे, सड़क पर उतरना पसंद नहीं करते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सड़क मार्ग से आखिरी बार वो कब गुजरे हैं हमको नहीं याद। तो मेरे लिए ये जरूर खुशी की बात होगी कि जब मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मेरे हेलीकॉप्टर में मैं बैठते हुए देखूंगा और इस हेलीकॉप्टर को गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाना है। ये सिर्फ मुख्यमंत्री की जागीर बन के नहीं रहे, ये हम लोग का लक्ष्य है। जो उनके विधायक थे मेवालाल चौधरी जी, बताइए ना भैया कि इतने समय में आप लोगों ने बिहार में, बिहार में ही नहीं देश भर में जो एक संघीय ढांचा है,
जहां पे कई अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं तो कई अधिकार राज्य सरकार के पास होते हैं, जिसमें से शिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले विषय है भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के अनुसार। तो जहां पे सांसद की अपनी जिम्मेदारी होती है, विधायकों की अपनी जिम्मेदारी होती है, और ऐसे में अगर आपके विधायक अगर से भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे तो बिहार का विकास कैसे होगा, ये हम सब देख रहे हैं। इसीलिए आज पुनः आप सब के माध्यम से यह आग्रह करूंगा बिहार की जनता से, और खास तौर पर आज जब मैं यहाँ तारापुर में मैं मौजूद हूँ, तारापुर की जनता से मैं आग्रह करूंगा कि बिहार के विकास के लिए जरूरी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का लागू होना। कोई ऐसी समस्या नहीं है बिहार की जिसका समाधान हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में नहीं किया। उसके लिए मैं आग्रह करूंगा बिहार की तमाम जनता से, और मुझे खुशी है कि दोनों जगह लोक जनशक्ति पार्टी रामदास ने जो हमने अपने प्रत्याशी दिए, पार्टी का ओरिजिनल कैडर, पार्टी के साथ जो पुराने समय से काम कर रहे हैं चंदन, जो कि लंबे समय से पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जहां तारापुर में इनको जिम्मेदारी दी गई, कुशेश्वर स्थान में अंजू देवी जी को जिम्मेदारी दी गई जो कि हमारी जिला की पदाधिकारी रही है वहां पे बहुत समय से, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों से नफरत करते हुए और वहीं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर अपना विश्वास जताते हुए दोनों जगह तारापुर की जनता, कुशेश्वर स्थान की जनता पूरा अपना आशीर्वाद, पूरा अपना समर्थन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को देगी, और दोनों जगह हमारे प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है, ये मेरा विश्वास है। और यही आग्रह मैं यहाँ की जनता से भी करूँगा कि भारी संख्या में वो सब सामने आए और 30 तारीख को अपने मतदान का प्रयोग करें। 16 सालों में आप हर घर में नल का जल, नल से जल नहीं पहुंचा पाए, और आप बात करते हैं बिहार के विकास की, आप बताइए ना, अगर आप इतना ही बिहार का विकास किया, इतनी आपकी नीतियां सही थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो बिहार से पलायन रुकता क्यों नहीं है? साल दर साल रुकना तो दूर की बात है, साल दर साल आंकड़ों में वृद्धि होती है। कौन जिम्मेदार है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं तो और कौन जिम्मेदार है इस बात का? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब 2005 में जब पहली बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि तमाम बिहारी वापस आ जाए। 16 साल में वो अपना सपना तो पूरा नहीं कर पाए, बिहारियों के सपने को क्या पूरा करेंगे वो? कोरोना में जब सब लोग वापस आए भी थे, कोई व्यवस्था आपने ऐसी नहीं की कि वो आए हुए मजदूर, गरीब परिवार के लोग वापस यहीं पर रुक जाए, अपने गांव में रह जाए, वापस उनको जाना ना पड़े, तब भी इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। हाथा खार कर वापस इस महामारी में हमारे मजदूर साथियों को वापस आना पड़ा। और सबसे अफसोस की बात, सबसे बड़ी चिंता की बात, कि जब दूसरे प्रदेश में हमारे साथी जाते हैं, हमारे बिहारी लोग जाते हैं, तो वहां पर उन्हें अपमानित किया जाता है, लाठियां चलाई जाती हैं, अब तो उनके ऊपर गोलियां तक बरसाई जाती हैं, जैसे हम लोगों ने कश्मीर में देखा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोशी से ये सब चीजें देखते रहते हैं, एक आवाज उनके मुंह से नहीं निकलती इसके विरुद्ध, खामोशी से। दूसरे प्रदेश में बिहारी लाठी खाएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश रहेंगे। वो गाली खाएगा, अपमानित होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश रहेंगे। बिहारी गोली खाएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश रहेंगे। कितनी बार मैंने आग्रह किया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से कि भाई एक प्रवासी मंत्रालय का गठन कर दीजिए, क्योंकि पलायन रोकने में तो आप कामयाब हो नहीं रहे, एक प्रवासी मंत्रालय का गठन कीजिए जो सुनिश्चित करे कि दूसरे प्रदेशों में जो हमारे बिहारी साथी रह रहे हैं उनको सुरक्षा का भाव हो, कि भैया कोई तो है हमारा जो हमें देखेगा, हमें पूछेगा, जब हम जेल में भरे दिए जाएंगे बिना किसी जुर्म के, तो कोई तो हमारी आवाज उठाए। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन तमाम चीजों पर खामोश रहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का विषय आप सबके संज्ञान में है ही, 1.5-2 महीने तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश रहे। निरंतरता में मैं उनको फोन करता रहा कि भैया बात कीजिए राज्य सरकार से, बात कीजिए, सिफारिश कीजिए सीबीआई जांच की। नहीं जी, दूसरे प्रदेश में मैटर चल रहा, हम कैसे कर दें? जब तक उनके पिता ने यहां पर कंप्लेंट नहीं दर्ज कराई, तब तक उन्होंने इसके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अब तस्वीरें बदल रही है, सियासत बदलेगी, सतुआ की सियासत हमने कही है। क्या ये चिराग पासवान ने जो सोचा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ में आएंगे, जहां एक तरफ ये बातें कही जा रही हो कि जो समीकरण बदल रहा है, अगर आरोप लग रहे हैं चिराग पासवान पर या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जो आरोप लग रहे हैं, वो आरोप सब कुछ भूल जाएंगे चिराग पासवान, कि आप बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान भूल जाएंगे वो सारे बातों को, या फिर बिहार को नंबर वन बनाने के लिए वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हाथ मिला लेंगे, ये सोच है। लेकिन आज जो तस्वीरें दिखी है,
जो बयान दिखा है, चिराग की उम्मीदें दिखी है, क्या ये उम्मीद पूरा होगा? ये सवाल है और ये सवाल सोचनीय है, क्योंकि जिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इतने प्रहार किए चिराग ने, आज वही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ शामिल हो जाए। क्या समीकरण ये बैठ पाएगा? ये आप सोचिए, ये आपके लिए सवाल है कि क्या ये समीकरण बैठ पाएगा। और अगर ये लगता है आपको बैठ पाएगा, तो अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं कि क्या कभी ऐसा संभव है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक साथ हो सकते हैं। और अगर आप हमें YouTube पर भी देख रहे हैं तो वहाँ भी कमेंट करें और बताएं कि क्या ये सतुआ वाली समीकरण बदल सकती है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक साथ होंगे? आप क्या चाहते हैं, क्या हों? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।